बच्चों, कल हमने पाठ 14 हिंदी की किताब में पाठ 14 अहंकार का फल पढ़ा था। आज हम उसी का अभ्यास कार्य अपनी किताब के अंदर करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिनांक डालनी है और कक्षा कार्य डालना है। आप देखिए, प्रश्न नंबर 1, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से जो सही है उस पर राइट का निशान लगाना है। क वाला देखिए, राजा का कौन सा बेटा अहंकारी था, जय सिंह, विजय सिंह या दोनों ही? जय सिंह, जय सिंह पर आपको राइट का निशान लगाना है। अब ख वाले पे आ जाइए, विजय सिंह के अत्याचारों से परेशान हो गई रानी, प्रजा या उसकी माता? तो प्रजा पर आपको राइट का निशान लगाना है। ग, अपने हिस्से की जमीन में आम का बगीचा लगाया, जय सिंह ने, विजय सिंह ने या दोनों ने ही? विजय सिंह ने, छोटे भाई को जब उसने जमीन दी थी उसने अपने हिस्से में आम का बगीचा लगाया था, तो उस पर विजय सिंह पर आपको राइट का निशान लगाना है। घ, किसके बगीचे में फल नहीं आए, जय सिंह के, विजय सिंह के या किसी के भी नहीं? तो जय सिंह के, जय सिंह के बगीचे में फल नहीं आए थे। अगला है, जय सिंह ने बगीचा लगवाया, मुख्य मार्ग के किनारे, नदी के किनारे या महल के पीछे? मुख्य मार्ग के किनारे पर राइट का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सोचिए और लिखिए। यहाँ आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इसके बाद आप आ जाइए प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में आपको खाली स्थान दे रखे हैं, वह आपको ऊपर शब्द दे रखे हैं, उनमें से चुनकर लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, विजय सिंह चुपके चुपके की मदद करता था, किसकी मदद करता था? वो प्रजा की, यहाँ आपको प्रजा लिखना है। ख, प्रजा की सेवा करना तो मेरा है, प्रजा की सेवा करना उसका धर्म, धर्म लिखना है हमें, यह धर्म है। अगला है, पेड़ बड़े हो गए मगर उनमें नहीं आए, पेड़ तो बड़े हो गए थे मगर उनमें फल, हमको यहाँ पे फल नहीं आए लिखना है। अगला है, माली को कोई नहीं सूझा, जब जय सिंह ने माली से पूछा था प्रश्न तो उसको क्या नहीं सूझा था? जवाब। तो यहाँ हमें लिखना है, माली को कोई जवाब नहीं सूझा। अगला, क्योंकि इन पर के भूत की छाया पड़ी हुई है, अहंकार के भूत की, किसके भूत की? अहंकार के भूत की। अब आप प्रश्न नंबर 4 पर आ जाइए, सही वाक्य के सामने राइट तथा गलत वाक्य के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए, क्रॉस का। क, राजा का छोटा बेटा विजय सिंह अहंकारी था, राजा का छोटा बेटा विजय सिंह अहंकारी था? नहीं, तो आपको इसमें क्रॉस का मार्क लगाना है। ख, प्रजा जय सिंह के अत्याचारों से परेशान हो गई, प्रजा जय सिंह के अत्याचारों से परेशान हो गई थी, राइट, इस पर राइट का निशान लगाइए। ग, जय सिंह द्वारा लगाए पेड़ों में फल आने लगे, जय सिंह के द्वारा पेड़ों में फल आने लगे थे क्या? नहीं, तो इसमें आपको क्रॉस का निशान लगाना है। अब आपको अगला देखना है, यात्री फल खाकर गुस्सा होते थे, यात्री फल खाकर गुस्सा होते थे? नहीं, वह तो प्रसन्न होते थे, तो यहाँ आपको क्रॉस का निशान लगाना है। अगला देखिए, बगीचे की देखभाल के लिए जय सिंह ने 10 मजदूरों की नियुक्ति की,
बगीचे की देखभाल के लिए जय सिंह ने 10 मजदूरों की नियुक्ति की थी? नहीं, उसने तो दर्जनों मजदूरों की नियुक्ति की थी, तो यह गलत है। तो आपको यहाँ पे क्रॉस का मार्क लगाना है। इसके बाद आप आ जाइए प्रश्न नंबर 5 भाषा की बात में। इसमें हमें निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। इसमें आपको शब्द दे रखे हैं, उनके वचन बदल कर लिखने हैं। पहला है बेटे। बेटे बहुत सारे हैं, बेटे का वचन बदल के लिखेंगे बेटा। बगीचा, एक बगीचा है और बहुत सारे बगीचे। ग, फलों, फलों का वचन बदल के लिखेंगे फल। यात्री, एक यात्री और बहुत सारे यात्रियों। राज्य, एक राज्य बहुत सारे राज्यों। पेड़ों, बहुत सारे पेड़ हैं और एक पेड़। अगला है माली, एक माली और बहुत सारे मालियों। संत, एक संत और बहुत सारे संतों। अगला है आम, एक आम है और बहुत सारे आमों। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ आपको शब्द दे रखे हैं, उनके विलोम शब्द अर्थात उनका विपरीत अर्थ लिखना है आपको। मेहनती, मेहनती का विलोम शब्द लिखना है कामचोर। मेहनती का विलोम शब्द होगा कामचोर। धर्म, धर्म का विलोम शब्द होगा अधर्म। अगला है प्रसन्न, प्रसन्न का मीन्स खुश होना। प्रसन्न का विलोम शब्द होगा अप्रसन्न। अगला है दुआ, दुआ का विलोम शब्द होगा बद्दुआ। अगला है छाया, छाया का विलोम शब्द होगा धूप। इसके बाद है अगला प्रशंसा, प्रशंसा का विलोम शब्द होगा निंदा। अगला देखिए बड़े, बड़े का विलोम शब्द होगा छोटे। सत्कर्म, सत्कर्म का विलोम शब्द होगा दुष्कर्म। अधीन, अधीन का विलोम शब्द है स्वतंत्र। प्रश्न नंबर 7 पर आ जाइए आप। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, इनके समान अर्थ बताने वाले शब्द लिखिए। परोपकार, परोपकार का समानार्थी शब्द है नेकी। ख, हित, हित का समानार्थी शब्द है फायदा। ग, दुआएं, दुआएं का समानार्थी शब्द है आशीष। घ, नियुक्ति, नियुक्ति का समानार्थी शब्द है तैनात। यह कार्य आपको अपनी किताब के अंदर करना है।